आगे बढ़े और बात करें कि यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, हस्पतालों में मरीज रुल गए। शहर भर के सरकारी हस्पतालों में ओपीडीज बंद होने से मरीजों को इलाज मुआलजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन हस्पताल में यंग डॉक्टर पर तशद्दुद का ये मामला था, जिसकी वजह से यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की जानिब से ओपीडीज के अंदर हड़ताल का ऐलान किया गया था और आज इसका छठा रोज़ है। और लाहौर समेत पंजाब भर के जो बड़े सरकारी हस्पताल हैं, इनकी ओपीडीज बंद की गई है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से जो मरीज़ अपना इलाज मुआवजा और चेकअप के लिए आ रहे हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर उन्होंने इलाज किया, तो इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है? एक्चुअली मैं हमारा एक मरीज़ है इधर, उसको चेक कराना है। ये जो बेमाना तरीके से ये इस तरह टॉर्चर हुआ है, ये बहुत बुरा है। डॉक्टर तो मरीज़ों की बेहतरी के लिए काम करते हैं और उनके हमेशा करते हैं, लेकिन ये जो चंद गुंडा नासर हैं, ये दे आर डूइंग वेरी बैड। मतलब अगर कोई कंप्लेंट है तो वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बताएं और उसको करें, ये तो नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले लें। और उसके बाद दूसरा बात ये है कि ये सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए हॉस्पिटल की, अस्पतालों की जो सिक्योरिटी है ये बेहतर होनी चाहिए। मरीज़ भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी मुझे ये बताइएगा, आप भी यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आई हैं, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे, किस मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? नहीं, मेरे ना दिल का मसला था, तो वो उन्होंने ना टेस्ट लिख के दिए थे, तो वो करवा के तो चेकअप करवाने आए हैं, तो वो उस दिन भी आए हैं इतना किराया लगा के, तो आज फिर आए हैं, तो परेशान होके वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, ये जो पेशेंट हैं दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, कोई कसूर से आ रहा है तो कोई रायवंड से आ रहा है, इनकी जानिब से कहा ही जा रहा है कि किराया खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन इनका जो इलाज मुआवजा वो नहीं हो रहा, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल।